भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तत्वावधान में भारत के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोलघर चेतना तिराहा पर गुरुवार को महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को अपने मन की बात लिखकर पोस्ट किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्या पांडे, मीडिया प्रभारी रानी मिश्रा, अनु पांडे, रीता गुप्ता, महामंत्री चित्रा देवी, श्वेता श्रीवास्तव, मिताभ गुप्ता, पद्मा, स्मिता, सुमन सिंह, मंजू सिंह, चंचला शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, क्या है हमारा वही चीज चल रहा है, कोई चीज मोदी जी आइए, गोरखपुर मोदी सरकार, महिला मोर्चा जिंदाबाद, हर हर मोदी सरकार, बार बार रंजन बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारत के मन की बात हम लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी को अपनी बातों को यहाँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि हम लोग हर पूरे वर्ष जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुर्सी पर आसीन हुए, उन्होंने अपने मन की बात हम सब से की, और ख़ास तौर से उनके कार्यकाल में हम महिलाओं के सम्मान के लिए जितनी योजनाएं हुई उसमें ज़्यादातर हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने किया, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे वो कोई भी योजना हो, उसके आयुष्मान भारत हो, और उसमें महिलाओं को ही प्रमुखता दिया है, इसका हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं। और मन की बात उन्होंने किया जो उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों को रसोई गैस में महिलाओं को छूट भी मिली उसमें किया, और अभी आप जो हुआ जितने कार्यक्रम आप देख लीजिए, योजनाओं की गिनती नहीं है, इतनी योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही सम्मान के लिए कार्य हुआ, हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं। और वो हमारे मन की बात, वो अपने मन की बात को बताते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में, महिलाओं के सम्मान हित में, युवाओं के सम्मान के हित में जो भी उन्होंने कार्य किया है, आज हम महिलाओं ने ये ठाना है। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बहनें मिल रही हैं, उन्होंने कहा कि अब की रुकना नहीं, आगे बढ़ के 400 पार 19 में लोकसभा में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, गिनते जाओ लोकसभा में भाजपा का पूर्ण से भी ज़्यादा बहुमत आने वाला है, और ये महिलाएं आगे बढ़ के उसको बनाने वाली हैं। आपका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोग बहनों का सम्मान के लिए आपने इसको रखा, और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाओं के लिए सम्मान में केवल एक दिन क्यों, 365 का 365 दिन महिलाएं आगे बढ़ के उसको 365 दिन महिला दिवस में महिला का सम्मान करते हुए बनाएं, यही मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला मोर्चा।